मुंबई में आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के खिलाफ सड़क पर उतरे पर्यावरण प्रेमी। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। आरे के आसपास धारा 144 लागू। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज। पेड़ काटने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित। बीजेपी 150 और शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 14 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, तीनों पक्ष अपनी दलीलें 17 अक्टूबर तक पूरी करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एक को छोड़कर सभी पड़ोसी अच्छे, राष्ट्रवाद हमारे लिए नकारात्मक भावना नहीं। पीएमसी बैंक घोटाले में मुंबई पुलिस ने बैंक के पूर्व MD जॉय थॉमस को गिरफ्तार किया। ईडी के छापे में 6 करोड़ की कीमत वाली 2 रोल्स रॉयस समेत 12 महंगी कारें मिली। वित्तीय संकट से जूझ रही टूर ऑपरेटर कंपनी कॉक्स एंड किंग्स ने कोलकाता में दफ्तर बंद किया। 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत के लिए कर्नाटक को 1200 और बिहार को 400 करोड़ रुपए दिए। इराक की राजधानी बगदाद में पिछले 4 दिनों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 60 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। और विशाखापट्टनम टेस्ट के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 431 रनों पर सिमटी। आर अश्विन ने 7 विकेट लिए। भारत को 71 रनों की बढ़त।